वीडियो की शुरुआत मैं इसी से कर लेता हूँ। ये मैं घर पर ही हूँ और लगाया हुआ है। बाकी यार ये रात का टाइम है, लेकिन आपको तो दिन टाइम की वीडियो दिखाऊंगा जी। ईद नमाज पढ़ के मैं वापस आ रहा हूँ। जाने टाइम की वीडियो इसलिए नहीं बना सका, आप यकीन करें कि मौलवी ने 7:30 बजे का टाइम दिया था। मैं रात को जब सुन रहा था, मैं बोल रहा था झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने 7:30 बजे ही जमा की और मेरी दौड़े लगी हुई थी। बहरहाल अभी घर पहुँचे हैं, कुर्बानी वगैरह के मतलब आपको दिखाता हूँ। तो बकरे रेडी हैं जी, एक तो ये देख लें। अच्छा, बकरा मार्केट रात को डाउन रही है जी काफ़ी पाकिस्तान में। पहले हालांकि इनके बहुत रेट थे, मैंने 42 का लिया ये, और दूसरा जो है वो अंदर है वो 30 का लिया, वो तो सही मिल गया है। लेकिन ये जो रेट था ना, उस रेट के हिसाब से मिला है, लेकिन रात को मार्केट डाउन थी जी। अरे छड़ दे रस्सी नहीं, छड़ दे। तो अभी तकबीर पढ़ने लगे हैं, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो मुद्दा तैयार है जी और बकरे भी, तो माशाल्लाह एक बना दी है जी, देख लें आप। और गोश्त अभी तक देख लें, इसका वाइब्रेशन कर रहा है, देख लें आप। तो अभी दूसरा बना रहे हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो दोबारा से उसी कंडीशन में आ चुका हूँ, यानी कि ईद यार बकरा ईद वाले दिन आदमी दो बार नहाता है। अच्छा ये पूरी रत्ती थी जी, बच्चों को ईद दी है और इधर उधर ये बजे हैं कुछ बस। तो बहरहाल ईद वाले दिन, मैं बकरा ईद वाले दिन बोल रहा था, आदमी दो बार नहाए, तो ईद के लिए सुबह फर्स्ट टाइम और उसके बाद कुर्बानी करके बाद में भी। तो बहरहाल अभी फिर से उसी लुक में आ चुका हूँ। अब बात यह है जी, पाकिस्तान में ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है। आपको पता है जी, अगर आपने पाकिस्तान में ईद गुजारी होगी, और मेरी तो ये 10 साल 10 में यानी कि 10 साल बाद दूसरी ईद थी पाकिस्तान में, एक छोटी जो गुजरी है वो, और ये तो कुर्बानी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसके मतलब भी आपके साथ वीडियो क्लियर कर दी है। दूसरी बात यह है जी कि बकरा वगैरह जो कुर्बानी के मतलब जी, जिन लोगों ने बड़ों वगैरह में हिस्सा रखा हुआ तो अभी तक लगे हुए हैं। और बकरा के मतलब ये है जी कि बकरे रात की जो मार्केट थी बकरों की, वो काफी सस्ती हो चुकी थी। बहुत से व्यापारी मैंने देखे हैं जी, बिके नहीं, उनके वापस लेकर आए हैं। बहरहाल पाकिस्तान में ईद के मजे भाई, एक तरफ से आप यही बोल सकते हैं कि एक अलग ही मजा देते हैं। सऊदी अरेबिया में भी हमें भाई मजा आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनों में ईद जो होती है उसका एक अलग ही टेस्ट होता है।